सब्सक्राइब कीजिए हमारी ऑनलाइन स्टडी ग्रुप को और लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए इस रिंग के बटन पर क्लिक कीजिए। अब हम बात करते हैं नॉर्मलाइजेशन की। नॉर्मलाइजेशन होता क्या है, कैसे होता है, ठीक है, और क्यों होता है, इसके बारे में सब कुछ। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ कि नॉर्मलाइजेशन सही है या गलत है। देखिए यहाँ पे होता क्या है, जब पेपर ऑफलाइन होते थे तो बहुत सारी जगह क्या होता है, गड़बड़ी हो जाती थी, है ना, पेपर लीक हो जाते थे या फिर पेपर, है ना, सब लोगों को बांट दिए गए हैं स्कूल में, छोटे छोटे स्कूलों में भी होते थे, है ना, कॉलेज में भी होते थे, सब जगह होते थे जब ऑफलाइन होते थे, क्योंकि परीक्षा क्या है एक दिन में होती थी सारी, तो वहां पर नॉर्मलाइजेशन की कोई क्रिया की जरूरत नहीं पड़ती थी, है ना। लेकिन वहां पर फर्जीवाड़ा हो जाता था, है ना, तो उस फर्जीवाड़ा को रोकने के लिए पेपर ऑनलाइन कराया गया। अब ऑनलाइन क्या है, ऑनलाइन मतलब कंप्यूटर की व्यवस्था हर स्कूलों में नहीं है, छोटे छोटे, है ना, सिर्फ कुछ ही जगह सेंटर बने रहते हैं इसके। तो प्रॉब्लम यह है कि अगर पेपर ऑनलाइन कराया जाए तो इतने सारे स्टूडेंट को एक दिन में पेपर और एक शिफ्ट में नहीं हो सकता, तो उसके लिए पर डे बहुत सारे दो दो तीन तीन शिफ्ट कराएंगे और दस दस बारह बारह एक एक महीने में पेपर होते हैं, क्योंकि कैंडिडेट बहुत ज्यादा है, इसलिए, है ना, जो कॉम्पिटिशन है वो बढ़ता जा रहा है। तो जब इतनी सारी शिफ्टें कराई गई और इतने दिनों तक पेपर कराए गए, तो ये देखा गया कि यदि धोखे से एक भी शिफ्ट ऐसी चली गई जिसमें पेपर सिंपल आया है, तो सारे स्टूडेंट उस शिफ्ट के सारे स्टूडेंट का सिलेक्शन हो जाएगा, बाकी की शिफ्टों के स्टूडेंट की सिलेक्शन नहीं होगी। तो उन्होंने ऐसा किया कि कुछ ऐसा किया जाए कि सारे स्टूडेंटों के शिफ्ट के जितने भी शिफ्ट हैं सभी शिफ्ट के स्टूडेंटों के सिलेक्शन हो, कुछ 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 सभी से आए, ऐसा ना हो कि किसी एक शिफ्ट से बिल्कुल भी सिलेक्शन ना हुए हो और दूसरे शिफ्ट से बहुत सारे सिलेक्शन हो गए, ठीक है ना, तो ऐसा भी ना हो उन्होंने ये देखा। तो उसके लिए क्या किया गया, उसके लिए उन्होंने क्या कहा कि हम एक प्रोसेस रखते हैं नॉर्मलाइजेशन की। इस प्रोसेस से होगा क्या, इस प्रोसेस से क्या होगा कि जो इक्विटी है सब में बढ़ जाएगी, मतलब सभी शिफ्ट से कुछ ना कुछ स्टूडेंटों की सिलेक्शन हो जाएगी। अब देखो नॉर्मलाइजेशन है ना, ये नॉर्मलाइजेशन आपको लग रहा होगा कि गलत है, बिल्कुल गलत नहीं है, बहुत सही है, है ना। हो सकता था अगर नहीं होता नॉर्मलाइजेशन तो कुछ लोगों को फायदा हो जाता, लेकिन कुछ को घाटा भी होता है ना, और घाटा ज्यादा लोगों को होता, फायदा कम लोगों को हो पाता, ठीक है। अब देखो नॉर्मलाइजेशन होता कहां, बहुत बड़े बड़े एग्जाम में नॉर्मलाइजेशन होता है, जैसे कि मैंने अभी गेट का एग्जाम दिया था तो मेरे, है ना, दो नंबर समथिंग बढ़े थे उसमें, और एक एक नंबर बहुत मायने रखता है। यदि आपका, है ना, जैसे इंजीनियरिंग वाले गेट का देते हैं एग्जाम, है ना, तो उसमें एक नंबर भी बढ़ जाता है तो बहुत सारी रैंक आपकी आ जाती है, अंदर रैंक के अंदर आ जाती हो आप, है ना। जैसे कि आपको 30 नंबर भी हैं और आपके 31 नंबर हो गए तो, है ना, गेट का एग्जाम बहुत टफ होता है, तो नॉर्मलाइजेशन बहुत मायने रखता है, है ना। तो बड़े बड़े एग्जाम गेट हुआ है और भी एसएससी है, बैंक में भी होता है शायद, है ना, और जो जितने की जैसे कि यूपी एसआई का था उसमें भी नॉर्मलाइजेशन होता है, बैपम के हर एग्जाम में नॉर्मलाइजेशन होता है, ठीक है। तो और इसमें क्या है, प्रोसेस सबकी लगभग अलग अलग होती है, जैसे यूपीएसआई की प्रोसेस अलग है नॉर्मलाइजेशन की, बैपम की जो जितने भी एग्जाम होती है उनकी प्रोसेस अलग है और गेट की प्रोसेस अलग है, है ना। तो हम बैपम की बात करते हैं, बैपम की प्रोसेस मैंने देखी थी, मैंने सोचा आपको बताऊं कि क्या प्रोसेस है, नॉर्मलाइजेशन जो करते कैसे है, जो नॉर्मलाइजेशन है बैपम वाले कैसे करते हैं, उसके लिए मैंने कोशिश की, लेकिन उसमें जो फॉर्मूला था बड़ा पेचीदा था, बड़ा टफ था, तो आपको है ना, मतलब मैं अगर उसको आपको एक्सप्लेन करता तो आपको समझ में नहीं आता कि क्या बोल रहा हूँ, है ना। उसका फॉर्मूला देखिए क्या है, उसमें जो फॉर्मूला लिखा हुआ था वो ये लिखा हुआ है, एम आई जी बराबर एम डी की पावर जे एम क्यू जी, है ना, एम डी आई एम आई क्यू, इस टाइप से एक बड़ा टफ सा फॉर्मूला लिखा था और उन्होंने एक्सप्लेन भी किया था कि इसका मतलब क्या है, है ना, इन सब का मतलब क्या लिखा है, ये लिखा है सब, है ना। इसको मैंने थोड़ा सिंपल वे में समझाने की कोशिश की है, बस आप रफली समझ लीजिए कि होता क्या है। होता क्या है कि वो पांच फैक्टर निकालते हैं, इसमें पांच फैक्टर कौन कौन से, दो फैक्टर होते हैं पूरी शिफ्ट, सभी शिफ्ट के बारे में, आप अपनी शिफ्ट पर ध्यान मत दीजिए, पहले आप ध्यान दीजिए सभी शिफ्टों के बारे में, जितनी भी शिफ्ट है सभी शिफ्ट, और फिर आप अपनी शिफ्ट के बारे में ध्यान दीजिए, एक सभी शिफ्ट, दूसरी अपनी शिफ्ट, आपकी शिफ्ट जो भी है, और तीसरा फैक्टर है आपके नंबर, तीन चीजों को ध्यान रखना, बस इससे निकल जाता है। तो पहले वो क्या करेंगे, सभी शिफ्टों से 0.1% का मतलब समझते हो आप, आपको दो चीजें पता होना चाहिए, एक तो औसत क्या होता है, औसत का मतलब अगर यदि मैं बोलूं कि एक लड़के के नंबर 10 हैं, दूसरे के 20 नंबर हैं, तो उनका औसत क्या है, उनका एवरेज क्या है, तो आप बोलोगे 10 प्लस 20 बटे 2 कर देंगे, क्योंकि दो स्टूडेंट है तो नंबर ऑफ स्टूडेंट से डिवाइड करते हैं और टोटल नंबर ऑफ मार्क्स एड करके देखते हैं, है ना।
तो यदि मैं बोलूं एक के नंबर 10 हैं दूसरे के 20 हैं तो उनका एवरेज औसत क्या होगा, तो आप बोलोगे 15, 10 प्लस 20 बटे तो 15 आ जाएगा। ठीक है, यदि मैं बोलता हूं चार लड़के हैं, एक के 10 हैं दूसरे के 20, तीसरे के 30 और चौथे के 40, इनका औसत क्या होगा, तो आप बोलोगे 10 प्लस 20 प्लस 30 प्लस 40 बटे 4, है ना, मतलब 4 3 7 दोनों 1 10, मतलब 100 बटे 4, मतलब उनका एवरेज हो जाएगा 25 नंबर, है ना, 25। इस टाइप से एवरेज होता है। तो वो क्या करेंगे, सभी शिफ्टों के 0.1 टॉप लोगों के लेंगे, 0.1%। अब 0.1% क्यों लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे लड़के एग्जाम देते हैं, होता क्या 0.1% लेते हैं, यहां पे 0.1% का मतलब है 100 में से 0.1, तो 1000 में से कितना हो जाएंगे, 1000 में से 1, मतलब हर 1000 में से टॉप एक लड़के को लेंगे वो, जैसे कि सपोज करो 1 लाख लोग में से कितने लेंगे, 1 लाख लोग में से लेंगे 100 लोगों को, ठीक है, और 10 लाख लोग में से कितने लेंगे, 1000 लोगों को, ठीक है। तो कहने का मतलब पूरे सभी शिफ्टों के सपोज करो किसी एग्जाम में इसमें लगभग 10 लाख लोगों ने पेपर दिया है, तो 10 लाख में से वो कितने को लेंगे, सिर्फ 1000 टॉप लोगों को लेंगे और उसका औसत निकालेंगे। 10 लाख लोगों ने एग्जाम दिया है, उन्होंने क्या किया है, सभी शिफ्टों के 0.1% लोगों का नंबर है जो टॉप 0.1% लोगों के नंबरों को औसत निकालेंगे, और दूसरा फैक्टर क्या करेंगे, सभी 10 लाख लोग हैं उनके नंबर का औसत निकालेंगे। तो सभी शिफ्टों से दो काम किए उन्होंने, पहले तो सभी शिफ्टों की 0.1% लोगों का औसत ले लिया, फिर सभी शिफ्टों के जितने भी कैंडिडेट है सभी का औसत ले लिया। तो मैंने देखो इस टफ एग्जाम्पल को एक शॉर्ट में बदल दिया है, क्या किया, सभी शिफ्टों के औसत कितने लोगों का, सभी शिफ्टों का औसत लेकिन टॉप 0.1% लोगों का, और उसमें से घटा देंगे सभी शिफ्टों का औसत, मतलब सभी शिफ्टों के टॉप 0.1% लोगों का औसत निकाल के बुझाता होगा, फिर सभी शिफ्टों का औसत उसमें से घटा दिया। ये दोनों काम किया किस पे, सभी शिफ्टों पर, है ना। देखो इसलिए मैंने इसको ऐसे एक बड़ा सा टफ सा एग्जाम्पल था जो फॉर्मूला था जिससे नॉर्मलाइजेशन व्यापम वाले करते हैं उसको सिंपल तरीके से बदला। देखो इसके बाद इन्होंने क्या किया, ESO, ESO का मतलब है आपकी शिफ्ट का औसत, है ना। तो सेम प्रोसीजर इसने आपकी शिफ्ट में किया, क्या किया कि आपकी शिफ्ट के जो टॉप 0.1% लोग हैं उनका औसत निकाला, और आपकी शिफ्ट के सभी विद्यार्थियों का औसत निकाला, बिल्कुल वैसे किया। देखो आप ये सभी शिफ्ट के औसत लेकिन 0.1% टॉप उसमें से माइनस कर दिए सभी शिफ्टों का औसत, सभी शिफ्टों के विद्यार्थियों के नंबर है उसका औसत मतलब, है ना। फिर क्या किया कि आपकी शिफ्ट के टॉप जो 0.1% लोग हैं उनका औसत और आपकी शिफ्ट के सभी विद्यार्थियों का औसत, मैं चाहूं तो यहाँ पे आर लिख सकता हूं, है ना, आर, ठीक है, है ना। तो इसका मतलब सभी का है, यहाँ पे 0.1 स्पेशल था तो मैंने बता दिया, है ना। अब देखो होता क्या है, यदि आप 0.1% लोगों में आ गए, यदि आपके लोग 0.1% मतलब क्या होगा, बताया मैंने अभी कि जैसे कि, है ना, 100 में से 0.1 कहने का मतलब 1000 में से 1, यदि आप 1000 में से 1 हो, यदि सपोज करो आपकी जो आपकी शिफ्ट थी उसमें से मान लो कि 20000 लोगों ने टेस्ट दिया पटवारी का, तो 20000 में से आपको टॉप 20 में आना पड़ेगा। यदि आप 20000 में से टॉप 20 में हो तो आपका औसत इसमें काउंट होगा, और यदि आप 20000 में से टॉप 20 में नहीं हो, उसके नीचे वाले स्टूडेंट में हो, तो आपका औसत इसमें काउंट होगा, है ना। इसमें तो सबका काउंट होना है, लेकिन आपका, है ना, जो लोग टॉप में है उनका इसमें भी काउंट होगा, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, वो आपकी शिफ्ट का जो भी औसत आया है आपके मार्क्स आपके शिफ्ट के औसत में से घटा देते हैं, तो ये फैक्टर मायने रखता है। देखो यहाँ पे आप खुद सोचो कि यदि आपके शिफ्ट में आपके मार्क्स जो है आपकी शिफ्ट के औसत के मार्क्स से कम है, है ना, यदि आपके मार्क्स आपकी शिफ्ट के औसत के मार्क्स से कम है तो ये फैक्टर माइनस हो जाएगा, तो माइनस आ जाएगा, मतलब ये वैल्यू लगभग माइनस में आएगी। तो कहने का मतलब ये होता है कि यदि आपके मार्क्स आपकी शिफ्ट के सभी स्टूडेंट के मार्क्स के औसत से कम है तो फिर वो थोड़ा नेगेटिविटी हो जाती है और आपके एवरेज जो नॉर्मलाइजेशन मार्क होते हैं घट जाते हैं, है ना। और यदि आपके मार्क्स आपकी शिफ्ट के औसत के मार्क्स से ज्यादा है तो फिर नेगेटिविटी ज्यादा नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पर, लेकिन सारे फैक्टर मायने रखते हैं, क्योंकि इससे जब हम इसमें भाग देंगे फिर इसमें मल्टीप्लाई होगा, फिर इसमें भी ऐड करेंगे क्या, सभी शिफ्ट का औसत, सभी शिफ्ट के जो स्टूडेंट हैं उनका औसत करके, इस प्रकार किसी भी स्टूडेंट के मार्क्स बनते हैं, है ना। तो ये मत सोचिए कि मार्क्स इसलिए घटते बढ़ते हैं, बहुत बड़ा फैक्टर है, आपके मार्क्स जितने भी हैं, मैंने बोला ना कि मैं इसलिए कट ऑफ ज्यादा नहीं बनाता, क्योंकि मैंने देखा कि बहुत सारे लोग उदास हो जाते हैं जिनके नंबर, मैंने बता दिया कि जनरल का कट ऑफ 80 प्लस जाएगा, अब किसी की 78 है और जो उम्मीद रख के बैठा था उसको तकलीफ होगी,
है ना, बिल्कुल उसको तकलीफ होगी इस बात की कि उसका सिलेक्शन नहीं हो रहा है। बल्कि देखो मैंने तो एक्सपेक्ट किया है, आपको सैड होने की जरूरत नहीं है अभी, है ना। ये पूरा पेचीदा ऐसा है कि सब कुछ बदल जाते हैं, जिनके नंबर कम है उसके ज्यादा भी हो जाते हैं, जिनके ज्यादा उनके कम हो जाते हैं, क्योंकि वो अलग अलग सबके होते हैं, है ना। तो इसलिए देखो यहाँ पे किसी भी स्टूडेंट के जो मार्क्स बनते हैं वो ऐसे थोड़ा बन जाते हैं कि जितने आपने देखे आपके नंबर 78 है तो 78 ही है, वो नंबर बढ़ते घटते हैं। वो आपके शिफ्ट के कितने, देखो कितने फैक्टर होते हैं, सभी शिफ्ट का कितना बड़ा फैक्टर है, सभी शिफ्टों के औसत मार्क जुड़ेंगे उसमें आपके मार्क्स में, फिर आपके मार्क्स को आपके शिफ्ट के औसत मार्क्स में से घटा दिए जाएंगे, फिर क्या करेंगे सभी शिफ्टों का औसत मार्क्स जो टॉप 0.1% है उसमें से क्या घटाएंगे सभी शिफ्टों के औसत मार्क्स, है ना, सभी विद्यार्थियों के। और यहाँ पे क्या करेंगे आपकी शिफ्ट के टॉप 1% का औसत मार्क्स में आपकी शिफ्ट के सभी बच्चों के औसत मार्क्स घटा दिए जाएंगे, इस टाइप का एक फैक्टर करेंगे। इसके बाद किसी भी स्टूडेंट के मार्क्स बनते हैं ये बापों में। इसलिए क्या होता है कि जिनके कभी कभी कम नंबर आते हैं उनका भी सिलेक्शन हो जाता है, जिनके ज्यादा नंबर आते हैं उनका भी नहीं होता है, क्योंकि है ना जो क्या होता है कि किसी शिफ्ट का पेपर सिंपल होता है और किसी शिफ्ट का पेपर टफ होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, है ना। और हम और हमारी टीम, कोचिंग की टीम, बहुत सारे इसमें वीडियो अपलोड करते रहते हैं जो आपको फायदेमंद होगी, है ना। यदि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे तो उसमें आपका कोई भी नुकसान नहीं है, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करने का कोई भी चार्ज नहीं होता है, है ना। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास में बनी हुई बेल पर क्लिक कीजिए। थैंक यू।